एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं उन दोनों को जो कि ग्रुप डेट के लिए आए हैं। और यहाँ पर अकाने की मूड ठीक नहीं होता, वो घाट जाने के लिए उसे कहता है अपने दोस्त को। और अकाने के पास में एक लड़का बैठा है, उसे बोलता है तुम क्या मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो इस गेम को खेलने के लिए। और अकाने कहती है मैं ये गेम कंप्यूटर पर खेलता हूँ, मोबाइल पर नहीं। और उस लड़के को फ़ोन नंबर नहीं मिलता। फिर देखते हैं वो दोनों उस जगह से बाहर आ चुके हैं और उसकी दोस्त मोमो बोल रही है तुम ये क्या लगता है तुमने ये मजाक किया या नहीं किया। और अकाने बोलती है मुझे माफ़ करना मैं रूडी को मैसेज कर रहा था। और उसकी दोस्त बोलती है रूडी कौन है, वो बोलते हैं गेम का एक मेम्बर। मोमो को यहाँ पर शक होता है कि वो लड़की है या लड़का। तो फिर उसे और अकाने बोलती है मुझे पता है वो एक लड़की है। और उसके बाद मोमो चली जाती है वहाँ से। फिर अकाने उसे मैसेज करते हैं और हम देखते हैं अकाने के पास से एक लड़की जाती है, वो भी बनने की कॉस्ट्यूम पहनकर। और अकाने को लगती है ये लड़की देखने में एकदम रूबी जैसी है। फिर वो खुशी खुशी आती है और तैयारी करती है गेम प्ले करने के लिए और गेम को शुरू करती है। फिर वो गेम को ओपन करता है और देखता है वहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर वो सबको ढूंढना शुरू कर देता है। और यहाँ पर यमाटा और रूडी मिल जाती है उसे। फिर अकाने देखती है उसके बगैर ही वो दोनों बात कर रहे हैं कि उसके लोग लेके कि वो यहाँ कोई नहीं है, तो इसीलिए अकाने उसके बीच नहीं आता। और यहाँ पर अकाने उन दोनों को देख रही है और रूडी यमाटा को बोल रही होती है यहाँ पर कोई नहीं है फिर भी हम दोनों अकेले हैं, कितनी अच्छी बात है। और यमाटा भी बोलती है हाँ हम दोनों बहुत दिनों से यहाँ पर एक साथ हैं। और यहाँ पर अकाने बहुत कुछ सोचता है और यमाटा उसे देख लेती है। और रूडी जाती है और उसे बोलती है मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें मिस किया बहुत। और यमाटा बोलती है मुझे इससे एक जगह जाना है, तो फिर ही गेम को लॉग आउट कर रहा हूँ। और यहाँ से यमाटा चली जाती है। और अकाने यहाँ सोचती है वो यमाटा किसी से बात नहीं करती सिवाय रूडी के, वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। और रूडी बोलती है अकाने क्या कर रहे हो, और अकाने बोलती है मैं कुछ नहीं सोच रहा बस ऐसे ही। फिर देखते हैं यमाटा को जहाँ पर यमाटा की मोबाइल पर एक मैसेज आता है और यमाटा रिप्लाई करती है। और अकाने यहाँ पर क्लास के लिए आए फिर भी वो यही सब कुछ बात सोच रही होती है अपने अंदर। फिर अकाने की क्लास ख़त्म हो जाती है और वो बाहर निकलती है और वहाँ पर उसकी एक दोस्त उसे पुकार रही होती है। और वो लड़का होता है इस ग्रुप डेट का एक लड़का, पर यहाँ पर अकाने उसका नाम भूल जाती है, उसे याद नहीं रहता। और वो लड़का अकाने से बहुत कुछ बोलती है गेम के बारे में और अकाने को बहुत कुछ अच्छा लगता है। और अकाने उसे पूछता है उस गेम के बारे में जहाँ पर यमाटा खेलती है और उसे बोलती है तुम्हें यमाटा पता है वो कौन है, पर उस लड़के को कुछ नहीं पता होता है यमाटा के बारे में। फिर वो दोनों बातें करते करते बहुत दूर चले जाते हैं और अकाने को दिखाई पड़ती है एक लड़की। फिर अकाने देखती है वो लड़की यमाटा के पास जा रही है और यहाँ पर अकाने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अकाने बस देखती रहती है सब कुछ और सोचता है यमाटा की बात जहाँ पर यमाटा ने कहा था मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अकाने सोचती है हाँ यमाटा देखने में अच्छा है और उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। फिर अकाने वहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पर अकाने को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर देखते ही अकाने सोई हुई और मैगजीन देख रही होती है। अकाने को एक मैसेज आती है और वो मैसेज होती है रूडी की तरफ से और रूडी के साथ वो मैसेज करना शुरू कर देती है। और अकाने यहाँ पर सोचना शुरू कर देती है कि ये लड़की रूडी हो सकती है। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है और रूडी बोलती है मुझे तुमसे मिलना है। और अगली सुबह होती है और हम देखते हैं अकाने नींद से उठी और वहाँ पर मैसेज आया है रूडी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है। और यहाँ पर अकाने अपना ड्रेसअप चेंज करता है, सब कुछ ठीक करता है और पूरी तरह से रेडी हो जाता है और निकल पड़ता है। और अकाने ट्रेन के अंदर मैसेज करना शुरू कर देता है यही कि यमाटा की तुम्हारे साथ है। फिर वो ट्रेन से निकलता है और उस जगह को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो मैप की तरफ देखता है और जगह ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। और अकाने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो जगह है कहाँ पर। फिर एक लड़के से वो टकरा जाती है। फिर वो लड़का बोलता है मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो। और वो लड़का उस मोबाइल को उठाता है और उस लोकेशन को देखता है। यहाँ पर वो लड़का भी उस जगह पर जा रहा था और अकाने से पूछता है तुम क्या इस गेम को खेलते हो, और अकाने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अकाने और वो लड़का एक साथ उस जगह पर जाना शुरू करता है। और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा शो ऑफ मर रहा होता है और अकाने कह रहा होता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसी लड़के को पता है उस जगह के बारे में। और यहाँ पर वो लड़का फिर से बोलना शुरू कर देता है उसे गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत ही ज़्यादा गेम के बारे में बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है वो गेम पसंद है मैंने बहुत टाइप के गेम खेला है यह सब बहुत कुछ बोलता है। और अकाने को यह बस जब बस सुनता रहता है वो। और अकाने हंसते हुए बोल देती है मुझे गिल्ड मास्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अकाने उसकी तरफ देखते हैं और हम देखते हैं एक रोमांटिक सीन की तरह हो रहा है।
बीच में एक लड़की उन दोनों को पुकार रहा होता है और अकाने उस लड़की को देखती है और बोलती है जरूरी है। और बाद में देखते ही यमाडा भी खड़ा है और यमाडा को देखते ही वो उसकी तरफ भागना शुरू हो जाता है और वो लड़का और लड़की अकाने को देखती है और अकाने बोलती है बहुत समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। और रूड़ी आती है यमाडा के पास और अकाने बहुत कुछ सोचना शुरू कर देता है कि हाँ ये रूड़ी है। और अकाने रूड़ी को बोलती है नाइस टू मीट यू, मुझे तुमसे मिल के अच्छा लगा। और बाद में वो सोचती है गेम में जितना हंसती है दिखती है रियल लाइफ में उतनी हंसते नहीं है वो। और रूड़ी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती तो फिर ये अकाने बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। फिर रूड़ी आयथा को बोलती है ये लड़की कौन है और आयथा बोलती है ये अकाने है। फिर सब अपने अपने तरफ देखना शुरू कर देते हैं और बीच में एक लड़का बोलते हैं तुम सब लोग अंदर क्यों नहीं जाते हैं। फिर वीडियो पॉज होती है और हमें वो उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर यमाडा और अकाने ड्रिंक कर रहे होते हैं। और देखते ही फाइनली यमाडा अकाने को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और यमाडा अकाने को बिस्तर पर सुला देती है और उसकी फ़ोन पर एक मैसेज आता है। फिर हम देखते हैं यमाडा एक गेम की मेंबर है और एक अनजान लड़का उसे बोलता है तुम लेट हो चुके हो, तुम कहाँ पढ़ते हैं। और यमाडा उन सबको बोलती है एक लड़की है जो कि मेरे अपार्टमेंट के अंदर सो रही है। और वो चार लड़के हैरान हो जाते हैं और वो चार लड़के अपने अंदर बात करना शुरू कर देती है कि एक लड़की तुम्हारे साथ है और कहता है मुझे फ़ोटो भिजाओ, मुझे देखना है वो लड़की कैसी है और तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। और यमाडा बोलती है मुझे हम दोनों बीच कुछ नहीं हुआ। फिर यमाडा अकाने की तरफ देखता है और गेम को बंद करके उसके पास आता है और उसे बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए पीने के लिए। और अकाने यमाडा को पकड़ती है और बोलती है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो अभी यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ अकाने रोती हुई बोलती है यमाडा को। यहाँ पर यमाडा को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसको पकड़ा हुआ है और रो रही है। फिर वो बोलती है अगर मैं इसे इस हालत में से छोड़ के चला गया तो फिर वो और ज़्यादा रोएगी। फिर यमाडा उसे बिस्तर में सुला देती है और कहते हैं इसे रोमांस कहते हैं। और अचानक अकाने बोलती है मुझे उल्टी करनी है। और फिर यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।